तो वेलकम बैक टू माय दुनिया दोस्तों, नए दिन की शुरुआत हो गई है और मैं फिर से डगो के साथ नीचे घूमने के लिए जा रहा हूँ। सुबह सुबह उठते से ही आज एक बैड न्यूज मिल गई और वो ये है, मैंने अपने घर जाने के लिए ट्रेन के टिकट बुक किया था, सेकेंड एसी था, अब उसमें RAC दिखा रहा है 18। मेरी टिकट्स है 6 नवंबर की और आज है 19th अक्टूबर। अब 16 दिन या 17 दिन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इन 17 या 16 दिन में मेरी ये RAC कंफर्म होगी या नहीं। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा अगर कंफर्म नहीं हुई तो, मतलब बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं होता। पहले कैसा एक दो बार हुआ है, लेकिन उस समय क्या मैं थोड़ा स्लिम था, पतला था, तो एक बर्थ में 2 लोगों का हो जाता था, लेकिन अब सीन वो नहीं है भाई। अब मैं भी हेल्दी हूँ, मैं किसी और के साथ कैसे सो के जाऊँगा, नहीं हो पाएगा। अभी मैं फ्लाइट की भी टिकट्स बुक कर रहा हूँ, तर बहुत ज़्यादा हाई दिखा रही है। अभी एक ऑप्शन मुझे समझ में आ रहा है, फर्स्ट एसी है ना, फर्स्ट एसी 5 या 6 वेटिंग में है। अगर मैं फर्स्ट एसी को बुक कर लूँ और फिर दोनों में से एक कंफर्म हो और एक को कैंसिल कर दूँ तो अच्छा हो जाएगा। 5 या 6 वेटिंग आई थिंक 17 दिनों में क्लियर हो जाना चाहिए फर्स्ट एसी की, हो जाएगी मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि फ़्लाइट की टिकट कितनी दिखा रहा है मैं आपको बताऊँ, यहाँ से नागपुर की 18,000-19,000 ऐसी टिकट के प्राइस दिखा रहा है, तो कोई सेंस नहीं बनता। और फ्लाइट से भी जाओ ना तो पूरा दिन वेस्ट होता है। मैं बताऊँ कैसे होता है, जैसे मान लो 1 घंटे पहले एयरपोर्ट में पहुँचना हो, यहाँ से एयरपोर्ट बहुत दूर है, लगभग 2 घंटे की दूरी पर है यहाँ से एयरपोर्ट, ट्रैफिक के कारण, तो मतलब 3 घंटे वहाँ पे चलेगा। मेरी शाम की 5 बजे की फ़्लाइट है तो मेरे को 2 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा, ठीक है। मैं 5 बजे एयरपोर्ट से निकलूँगा वहाँ के लिए, 6:30 बजे के आसपास नागपुर पहुँचूँगा और नागपुर के एयरपोर्ट से जो मेरे घर जाने का बस स्टॉप है वो लगभग और आधा घंटे की दूरी पर, यहाँ पे बज गए 7 बज। फिर वहाँ पे नागपुर में बैठ के बस का इंतज़ार करो, बस आएगी 8-9 बजे और फिर घर पहुँचो और 2.5-3 घंटे बाद, तो लगभग 2 बज ही गए, तो मतलब 12 घंटे का तो फ्लाइट से भी हो गया, तो बहुत झंझट है। डायरेक्टली एयरपोर्ट जहाँ पर है वहाँ पर अगर मेरा होम टाउन होता ना नागपुर में ही तो टेंशन नहीं थी, लेकिन ये बहुत झंझट वाला काम है। ट्रेन से सफ़र बहुत ईजी है इसलिए मैं ट्रेन से जाना प्रेफर करता हूँ, इतनी ज़्यादा टिकट फ्लाइट भी दो उसके बाद इतना झंझट उठा के भी जाओ, कोई सेंस नहीं बनता। अभी मैं फ़र्स्ट एसी की बुक कर ही लेता हूँ, यही सही आइडिया है। एक कंफर्म होगी, चलो दोनों भी कंफर्म हो गए, एक कैंसिल कराऊंगा तो क्या ही होगा, थोड़े से पैसे कटेंगे ना, कम से कम आराम से तो जाऊंगा, यही बेस्ट आइडिया है। ये देखो ये बादाम सो रहा है बढ़िया से और ये टक्कू घूम रहा है मज़े में मुंह खोल के, वो आया टक्कू का भाई, अभी देखना कैसा रोते हुए आता है। टक्कू तेरा भाई आया, कुछ ढूंढ रहा है वहाँ पे, टक्कू तेरा भाई, टक्कू का भाई, टक्कू का भाई। अरे टक्कू भी सुंग सुंग करने जा रहा है टक्कू के भाई को, नहा के आया क्या तू, कहाँ से इतना साफ सुथरा दिख रहा है, नहा के आया क्या, ये कल मुँह या सफ़ेद मुँह, कल मुँह सफ़ेद मुँह। टक्कू तेरा दोस्त है का, टक्कू का दोस्त है का, हाँ हाँ बच्चा 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 बच्चा, हाँ छोटा बच्चा, हाँ क्या कुकू, तेरे सुंदरा को काट काट के लंगड़ा कर दिए हैं, सामने वाले पैर से लचक लचक के चलता है बेचारा, बहुत काटे, देखो इसकी आँख पाँख के नीचे, तो वो काटे, इतना बड़ा है तू, इतना बॉडी बिल्डर है तू, भी काटा कर, डरता क्यों है तू सब लोगों से, तेरे को कोई भी पटक के काट देता है सुंदरा, हाँ बेचारा रे कितना मासूम है देखो। अरे भाई गर्मी में नीचे घूम घूम के मैं वो कथा वाला रील बना रहा था, जो अभी नौदुर्गा में 9 कथा 9 कहानी शुरू किया हूँ ना, उसका मैं रील बना रहा था, हालत खराब हो गई, बहुत ज्यादा गर्मी लगी। आप लोगों को भी बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को पूजा करते टाइम कल वाली कथा नहीं बता पाया, तो कल वाली और आज वाली दोनों एक साथ बताऊंगा। दरअसल कल पूजा करने में थोड़ा लेट हो गया था इसलिए नहीं बता पाया था। खैर अभी ऊपर आ गया हूँ, चाय वाय पीता हूँ, दिन की शुरुआत करता हूँ प्रॉपरली और उसके बाद आपसे बात करता हूँ, है कि नहीं। तो आज आ चुका है नवरात्रि का 5वां दिन, शाम का वक्त हो चुका है और हम पूजा करने के लिए रेडी हैं। माता रानी का 5वां दिन, नवरात्रि का 5वां दिन डेडिकेटेड रहता है माता रानी के स्कंद माता रूप को। अब स्कंद माता बहुत सारे लोगों को कहानी बिल्कुल नहीं पता, नाम तो सुने ही हुए हैं, चलिए आज मैं आप लोगों को स्कंद माता की एक अद्भुत कहानी सुनाता हूँ। एक राक्षस था ताड़कासुर नाम का, बहुत ताकतवर और बहुत ही ज्यादा शातिर। ताड़कासुर का ऐसा था भाई, वो कैसे भी करके ना अमर रहना चाहता था, पूरी दुनिया में अपना आधिपत्य जमाना चाहता था, इसलिए उसने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या करना शुरू कर दिया। कई हजारों साल तक तपस्या किया है, फिर भगवान ब्रह्मा उससे प्रसन्न हुए, उसको दर्शन दिए, बोले क्या चाहिए,
तो उसने बोला कि मैं वरदान के रूप में अमर होना चाहता हूं, मैं अमर हो जाऊं साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा ताकतवर। अब ब्रह्मा जी ने बोले कि भाई पैदा हुआ है तो अमर होना तो इम्पॉसिबल है, अमर नहीं हो पाएगा, कुछ और मांग ले। तो उसने बोल दिया ठीक है एक काम कीजिए, मेरी मृत्यु केवल और केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो, इतना तो आप वरदान दे सकते हैं ना। ब्रह्मा जी ने बोल दिया ठीक है तथास्तु। अब ताड़कासुर को क्या लगता था कि भगवान शिव तो कभी शादी करेंगे ही नहीं, शादी नहीं करेंगे तो उनकी कोई संतान ही नहीं होगी। लेकिन विधि का विधान, ताड़कासुर का पाप बढ़ता गया, उसका दुराचार बढ़ता गया, बहुत युद्ध करता था, बहुत लोगों को परेशान करता था। फिर क्या था, भगवान शिव की शादी भी हुई और भगवान शिव के पुत्र भी हुए, भगवान कार्तिकेय। अब कार्तिकेय जी का जन्म हुआ तो ऐसा था, क्लियर हो गया उसी टाइम कि ताड़कासुर का अंत तो इन्हीं के हाथों होना है। लेकिन ताड़कासुर बलवान भी तो बहुत था, तो कार्तिकेय जी को प्रशिक्षण देना जरूरी था युद्ध के लिए। तो माता आदिशक्ति ने, माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण करी और उन्हें युद्ध के लिए परिपूर्ण करी, प्रशिक्षण दी उन्हें पूरा। अब देखो कार्तिकेय जी का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए माता रानी के इस स्वरूप को स्कंद माता नाम से जाना जाता है, जिस स्वरूप ने कार्तिकेय जी को युद्ध के लिए तैयार किया था। तो माता के इसी रूप को आज पांचवें दिन पूजा जाता है, और कहते हैं कि माता के इस रूप की जो कोई भी पूजा करता है उसके अंदर भरपूर शक्ति आ जाती है, और किसी भी प्रकार की बुराई से फाइट करने की उसके अंदर समझ लो एक एक इम्यूनिटी आ जाती है, ऐसा सिस्टम है भाई। तो कमेंट सेक्शन में जय माँ स्कंद माता जरूर लिखना। अब आइए अपनी पूजा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि थाली तो रेडी हो ही गई है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निज दिन जावत, मैया जी को निज दिन जावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे, ओम जय अम्बे गौरी। आज मैं बहुत दिनों बाद अपना प्लेस्टेशन गेमिंग खेलने के लिए जा रहा हूँ, बहुत दिनों से नहीं खेल रहा था, और रीजन क्या थी पता है, कंफ्यूजन और गर्मी। गर्मी मुझसे सहन नहीं होती है, और कंफ्यूजन इस बात का था कि मैं कौन से हॉरर गेम्स खेलूं कि क्या खेलूं। अभी थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो गया है, क्योंकि ब्लडी जिया गेमिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं कि हमको ब्लडी जिया गेमिंग में क्या करना है। देखो भाई, सीखते सीखते ही सीखते हैं, समय के साथ थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन अब सीख गए हैं, अभी मालूम है कब कैसे कहाँ पे कौन सा गेम खेलना है। तो ब्लडी जिया गेमिंग का सेटअप हो गया, और अब ब्लडी सत्य गेमिंग का सेटअप कर रहे हैं। तो अभी मैंने अपना सब जमा वमा लिया हूँ, चालू कर दिया। देखो आपको एक झलक दिखा देता हूँ, थोड़ा सा अनटाइडी सा लगता है ऐसा देखने में, लेकिन आप लोगों को देखने में मज़ा तो आता है ना। अभी चलो ये है अपना, कैमरे को यहाँ सेटअप कर देते हैं, ये सही है। देखो यही आप लोगों को देखने को मिलता है ये, और ये थोड़ी डिस्को डांसर वाली लाइट इसलिए लगाता हूँ क्योंकि देखने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, सिंपल सिंपल प्लेन प्लेन रखूंगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो चलो अभी मैं अपना गेम स्टार्ट करता हूँ, GTA 5 का एक लेटेस्ट एपिसोड, और फिर आप लोगों से बात करता हूँ। हाँ, आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इस व्लॉग को खत्म होने के बाद वो गेमिंग चैनल भी मेरा जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसमें भी बहुत मजा आएगा। तो आ गए भाई हम लोग नीचे अपना काम वाम कम्प्लीट करके। आज मेरी गेमिंग बहुत ज्यादा लंबी चली यार, GTA 5 का एक मिशन था, कौन सा सी, ऐसा सी वुड करके कुछ तो भी ऐसा प्रैंक था, वो बहुत ज्यादा टफ निकला, उसमें बहुत टाइम चलेगा। दो मिनट चुप रहो, नीचे आ गए रानी लोग आ जाएगी नहीं तो। इतनी बचने की कोशिश कर रहे थे, ये आई गए घोड़े जैसे दौड़ दौड़ के। अभी हम लोग वापस अपने एरिया में आ गए, क्योंकि अब दूसरे एरिया में जाएंगे ये भी जाएगी, लड़ाई झगड़े काटा कुटी सब होगी, कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा यहीं पे आ गए, इसको यहीं पे घुमा देते हैं। बस कोको ना आए, कोको नहीं आता है ना तो मामला शांत रहता है, कोको और कालू नहीं आएंगे, तो कोको कालू आए तो लड़ाई झगड़ा होता है, और फिर ये अपना काम नहीं कर पाता बेचारा जिस काम के लिए नीचे आता है। मैं टक्कू को समझा रहा था कि जो कोको है ये कहीं ना कहीं से टक्कू का रिश्तेदारी है ना। देखो अभी सामने ही आ गया, ये देखो हाँ ये अटैक कर दे, वो तो चुपचाप रहेगा, लेकिन उसकी क्या प्रॉब्लम है पता है, ये देखो जानबूझ के पास पास में आता है, उसको बहुत पंचायत है। ये देखो हो, ये भी हो, वो देखो पास में आ रहा है।
उसका ऐसा ही है, देखो तेरे वो बाप दादा के उम्र का है, उसको क्यों तू इतना पीछे पड़ दादा, वो देख वो भी पीछे छोड़ता नहीं, आते ही रहेगा आते ही रहेगा, जा रहा है चक्कर। हाँ वो चिढ़ाता है, वो मजे लेता है, मजे लेता है। देखता हूँ कितना भागता है, पास पास आता है फिर भाग जाता है, फिर पास आता है फिर भागता है। अभी देखो रुक गया और पलट के देख रहा है। बहुत चिढ़ाता है इसलिए चिढ़ता है ये। अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ इशारा करता होगा, हाँ इशारा करता होगा, और इसको आता है गुस्सा, ये गाली देता है उसको, हाँ ये गंदे का निकाल देता है उसको, हाँ पता नहीं क्या क्या है, क्या 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 बोलता है पता नहीं क्या क्या। अभी देख रहे हैं वहाँ घूम रहा है, अभी थोड़ी देर बाद आएगा वापस देखने के लिए इसको कि भोग क्यों नहीं रहा, उसका भी मन नहीं लगता, पता है भोगता नहीं है तो आएगा थोड़ा नजदीक ऐसा, फिर तिरछा देखेगा फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा आएगा नजदीक फिर भाग फिर जाएगा, हाँ तिरछी नजरों से देखता है, हटने वाला जस्ट रहेगा फिर अटैक करने वाला भाग जाता है फिर, हाँ इसको छेड़ता है वो, पता है छेड़ता है जानबूझ के, उसको मालूम है कुछ कर तो नहीं पाएगा, वो टेढ़ा है बहुत, हाँ हाँ। और पता है मेरे को समझ में आगे टक्कू से कितना चिढ़ता क्यों है, क्योंकि इतना कमीना है वो, अपने सामने किसी को नहीं खाने देता है, कितना भी उसका पेट, तो मैंने तुमको बोला था ना वो अंदर से है थोड़ा सा, कॉफी को डरा दिया उसने, कॉफी के प्लेट से खाना छीन लिया सोचो उसने, कॉफी को डराया मतलब बड़ी बात, हाँ वही तो कॉफी खुद दबा लिया था, ये देखो फिर आ गया, मैंने बोला था ना आएगा ही, उसको भी चैन नहीं मिलता इससे भगवान ले जब तक, अटैक थोड़ी करता है छोटू, छोटू को पाला है उसने, वो अटैक क्यों करेगा छोटू पे, नीचे पर खड़ा है वो, डर जाता है छोटू भी, इतने बड़े कुत्ते को देख के कौन नहीं डरेगा, बटरिंग करते हैं ये छोटू खुजली मास्टर और सुंदरा, तीनों हाँ। बटरिंग करते हैं, अरे उसको रानी ने क्यों पटक दिया उसको, वो तो बहुत कमी नहीं यार, अपने हर बच्चे को देखो, यहाँ से गोबर की स्मेल आ रही है, हाँ गोबर की स्मेल कहाँ से आ रही है, बहुत ज्यादा ही आ रही है, चलो चलो किधर से चले हैं ये, लेकिन ये बेचैन हुआ जा रहा है ना, क्या करे अब इसका हो गया, गया वैसे वो आएगा क्या अभी, अब नहीं आएगा मेरे को लग रहा है, पता है अब वो गया, अब वो गया, कुछ तो भी लफड़ा हुआ है वहाँ पे, भौका भाकी हुई थी तो चले गया, पर ये कहाँ जा रहा है लेके, ये तो पीछा छोड़ेंगे ही नहीं, ये लिफ्ट तक विदाई देने आते हैं, ये देखो अब जहाँ टक्कू सुनेगा वहाँ रानी भी सुनेगी, सुंदर सुंदर पैदा हुए हैं, हाँ बहुत सुंदर है, सुंदर है सुंदरा भी सुंदर है, इनका बाप भी सुंदर रहा होगा, हाँ, ये खुद सुंदर है, हाँ ये तो सबसे डीबी की सबसे सुंदर यही है, ये और सुंदरी, अरे 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 सुंदर क्या बोल दिया, बकचोदी चालू हो गई, तारीफ सुन ली तो, ये कौन सी स्टाइल थी, खेला खेला क्या उठा ली मुंह में तूने, अरे क्या किससे खेल रही थी, किससे खेल रही था, क्या है ये, क्या चीज है ये, हाँ खेल रही कुछ तो ऐसा है जैसा बांधते ना कुछ कुछ कपड़े उपड़े, देखना उससे मुंह ना कटे उसका, ऐसा कुछ ना हो, मुंह ना कटे उसका बोल रहा हूँ, नहीं कटेगा यार, इनको आदत रहती है रोड पे, तो भी क्या चीज है वो, अब तो और समझेगी कि मैं इनकी कुत्ता हूँ, हाँ हाँ देखो, अरे 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 छलांग छलांग टक्कू टक्कू एक्साइटेड हो रहा है, टक्कू एक्साइटेड हो रहा है, आप समझे कि मैं तो इनकी ही रानी हूँ मैं, हाँ देखो अरे 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 अरे, लेकिन इतनी समझदार, अब मेरे पास लेके आ रही, मेरे पास लेके आ रही थी कि कभी उसका दांत लगता ही नहीं है, हाँ एकदम धीरे से अगर पकड़े भी तो धीरे से पकड़ती है, वो सिर्फ कुत्तों को काटती है, हाँ इंसानों को तो ऐसा करती है दांत ना लगे बिल्कुल भी, हाँ। अभी के सिचुएशन की थोड़ी अपडेट दूं तो ये देखो मिर्ची कोको नींबू ये सब रेत के ऊपर सिंहासन बना के बैठ गए हैं, और ये है अपना छोटू जो कि खुजली मास्टर को डरा के वहां पे छोड़ के आया है, आज खुजली मास्टर मतलब गुंडा नया नया गुंडा ये पिल्ले से डर रहा है, क्यों डर रहा है लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, और इसको हो रही है बेचैनी टक्कू को, अच्छा वहाँ पे रानी नींबू के साथ दोस्ती बढ़ाते हुए, और यहाँ पे मिर्ची को कोई भी खबर नहीं है, एक बार मिर्ची को समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है यहाँ पे रानी और नींबू का, बहुत गंदा काटेगी, बहुत गंदा काटेगी, अरे कू कर दिया कू कर दिया कू कर दिया, खेल रही है लेकिन वो पता है कुछ कर नहीं रही है, खेल रही है लेकिन उसको वो भी पता चला ना मिर्ची को, कैसी खेल रही है कैसी खेल रही है, कौन सा स्टाइल है स्टाइल है उसका, हाँ? बहुत अजीब, अब देखो मिर्ची को पता चलने दो अभी, अभी उसको बिल्कुल भी अंदाजा, अरे यहाँ पे कॉफी है, उल्ला पुल्ला कॉफी खत्म हो गई, अब चलो चलते हैं, बाय कॉफी, बाय क्या नाम है खुजली मास्टर, रॉकी रॉकी, बाय छोटू, छोटू खुजली में लगा हुआ है अपनी, ये अरे यार वो देखो कितना चुपचाप बैठा हुआ है, चक्कू चल भला हो गया, बहुत जल जलन होती है इसको, हम लोग ना ऊपर वाले फ्लोर से किसी के दौड़ने, ये कैसे हम्म।
अटक रही थी अब नीचे बताता। हम लोग जस्ट अभी ऊपर इसलिए गए थे क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर से रोज किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही है। आज भी दी थी, आज भी एक बजे के आसपास रात में गेमिंग का वीडियो किए थे, उस गेमिंग का वीडियो जब किए थे किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी। देखे ऊपर वाला, जस्ट इसके ऊपर वाला फ्लोर खाली है, कोई नहीं रहता। दरवाजा तक गंदा है, जंग लगा हुआ है, किसी ने बनाया तक नहीं है, उसकी पॉलिथीन तक नहीं निकली दरवाजे की। वही तो कोई रहता ही नहीं वहां पे। इसके बारे में हम अगले ब्लॉग में बात करेंगे डिटेल में, बहुत सारी बातें हैं करने को। इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। अब तक देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर भी पहुंच जाना, वहां पर भी जुड़ जाना। हम कल फिर से एक और डरावने ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।